हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम टिपिकल साउथ इंडियन होटल जैसी सांभर की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले सांभर मसाला बना के तैयार कर लेंगे घर में ही। तो कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है, घी की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं। घी गर्म हो गया है, फिर हमने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे मेथी के दाने। गैस का फ्लेम अभी हम स्लो रखेंगे, जैसे ही घी गर्म हो जाता है गैस का फ्लेम स्लो कर दें। अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है तो आप इस तरीके से सांभर मसाला बना सकते हैं। 1 चम्मच डाली है मैंने यहाँ पे दाल, जो चने की दाल है और ये कच्ची दाल है, और 1 चम्मच भर के डाले हैं मैंने चावल। कोई भी चावल आपके यहाँ यूज़ होते हैं वो वाले चावल डालें आप। एक सीक्रेट है जो होटल वाले यूज़ करते हैं चावल। फिर हमने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच भर के खड़ा धनिया, खड़ा साबुत धनिया हमने 2 चम्मच यूज़ किया है। 3 से 4 पिंच हींग यूज़ की है, 4 लौंग डाली है और यहाँ पे 4 छोटी वाली हरी इलायची डाली है। इसी तरीके से होटल वाले जो होते हैं वो सांभर बनाते हैं, तभी उनका सांभर एकदम टेस्टी और बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। अगर आप इसी रेसिपी से सांभर बनाएंगे तो एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आएगा आपके सांभर में। तो 6 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, 1/2 इंच अदरक डाल दिया है छोटे टुकड़ों में काट के, और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये हरी वाली गरी। अगर सूखी वाली गरी है नारियल है तो वो भी डाल सकते हैं। 5 से 6 डाल दी हैं लाल मिर्ची, और सभी को चलाते हुए मिक्स कर देंगे और हल्का सा हम इनको भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। सभी को हमने अच्छे से चला दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते, तो 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही साथ हम कड़ी पत्तों को भी भून लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच, एक जो छोटा चम्मच होता है वो डाल दिया है हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम कम करके डालें हल्दी पाउडर, वरना मसाला जल जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, जिसको लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों को भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब इसको ग्राइंडर में डाल देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद, गरम गरम ना पीसें। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, यानी कि 1/2 चम्मच नमक डाला है क्योंकि हम इसको आगे सांभर में यूज़ करेंगे तो उसमें भी नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से बारीक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे कुकर लिया है, कुकर में डाला है 2 चम्मच घी और 3 से 4 हरी मिर्ची डाली है। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चला देंगे इनको, भुनने देंगे और मिर्ची को। फिर यहाँ पे मैंने 3 टमाटर, जिसको थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो भी डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इनको। अभी हमने इसमें सब्जियाँ ली हैं, तो आपको जो भी पसंद हो सब्जियाँ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कद्दू लिया है, बैंगन लिया है, तोरई ली है और पत्ता गोभी लिया है। थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियाँ ली हैं मैंने यहाँ पे, और आपको जो भी सब्जियाँ मिल जाए वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्रम स्टिक मिल जाए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पर नहीं मिली थी, तो आप ड्रम स्टिक मिले तो ज़रूर याद से डालें, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा सांभर में। तो अच्छे से मिला के इनको भी थोड़ा सा हमने भून लिया है सब्जियों को। सब्जियां आप अपने पसंद से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप सांभर में कम सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो कम डालें, और अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। जो हमने सांभर मसाला का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है और सब्जियों में, इसमें कुकर में। आप याद रखें
कि जो हम सांबर मसाले का पेस्ट बनाएंगे वो एकदम बारीक, मतलब जो चावल हमने डाले वो एकदम बारीक पिस जाने चाहिए, एकदम चिकना पेस्ट बन के तैयार होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी सांबर का टेक्सचर काफ़ी अच्छा आएगा और एकदम स्मूथ सांबर बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो तुअर दाल थी उसको भिगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दाल ली थी, दाल डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब यहाँ पे हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे हमें 6 से 7 कप मैंने पानी डाला है और फिर यहाँ पे डाल देंगे नमक, क्योंकि हमने सांभर मसाले में भी नमक डाला था, तो हिसाब से यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। और 7 से 8 सीटी लेके हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे आप अगर सब्जियाँ थोड़ा पकी हुई खाना पसंद करते हैं तो कम सीटी लगाएं, और अच्छी गली हुई खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सीटी लगा दें। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने घी डाल दिया है और फिर डाल दी है हींग और 1 चम्मच डाल दिए हैं राई के दाने। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से भून रही हैं, आप देख सकते हैं राई एकदम चटक जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते, 15 से 20 कड़ी पत्ते डाले हैं मैंने यहाँ पे। और इसमें डाला है लाल मिर्ची पाउडर, और ये वाला हमारा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है जो हमारे सांभर में अच्छा सा कलर लाएगा। तो इस तड़के को सांभर में डाल देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा सांभर एकदम बढ़िया सा तैयार हो गया है। अभी हम इसमें खट्टा डालेंगे, खट्टा हमने नहीं डाला है। तो इमली को मैंने पहले से भिगो के रखा था। पूरा सांभर बन जाने के बाद ऊपर से इमली का पानी डालें। जैसा भी आप खट्टा खाना पसंद करते हैं तो कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, सांभर थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है। तो लास्ट में ऊपर से इमली का पानी ऐड कर देंगे। और आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, होटल जैसा सांभर बन के तैयार होता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें रेसिपी को, कमेंट करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।